मैं भूपेंद्र सिंह तीर्थी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट J&K स्टेट खो खो एसोसिएशन और ट्रेजरा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारी जो इस समय जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स J&K स्टेट खो खो चैम्पियनशिप ग्रीन प्ले फील्ड में हो रही है, जो कि 3 दिन का टूर्नामेंट था, 23, 24 और 25। इसमें 11 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से जो गर्ल्स की टीम थी वो 5 लड़कियों की टीम आई है और कोई 9 बॉयज़ की टीम जो है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये जो टूर्नामेंट हमने इस समय कराया, इसका मेन कारण एक ये भी था कि हमारी सीनियर जूनियर नेशनल जो है वो मणिपुर में होने जा रही है 26 से 30 मार्च को। तो हमारा मेन मकसद था कि हम इस स्टेट में ही जो है बेस्ट टैलेंट जो है सब डिस्ट्रिक्ट का, उनको वेरीफाई करके उनके सिलेक्शन करें और फिर उनका कैंप यहाँ पर लगाया जाए प्रायर टू पार्टिसिपेशन इन द जूनियर नेशनल्स। तो उसी सिलसिले में जो टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से ये टूर्नामेंट यहाँ पर खेला गया। हालांकि बारिश का थोड़ा हमारे को परेशानी हुई, लेकिन फ़ायदा भी हुआ कि उससे माहौल भी बड़ा सुहावना हो गया था और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए और जो डिग्निटीज हैं उसमें खास करके हमने डीजी दिलबाग सिंह जी को इनवाइट किया था, जिन्होंने गर्ल्स सेक्शन में प्राइजेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए। और हमारा मेन मकसद एक ये भी था डीजी दिलबाग सिंह जी को बुलाने का कि जो पुलिस गेम्स है उसके अंदर खो खो जो है वो इंक्लूड हो गई है और हम चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं खो खो के, उनका जो है दिलबाग सिंह खुद इनको देखें और इनकी टीम भी जो है अपॉइंट करके बच्चों को खो खो के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, तो उनकी टीमें जो हैं पुलिस के लिए यहाँ पर J&K स्टेट की टीम्स जो है खड़ी की जाएं। तो हमें इंश्योरेंस भी दी डीजी साहब ने कि हम मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं कोशिश करूँगा, और उसके साथ ही बच्चे जो हैं इनका ठहरने का इंतज़ाम भी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। ये हमारे प्रेसिडेंट सरदार मनवीर सिंह जी जो हैं उन्होंने अपने कॉलेज में ही इनका खाने का और रहने का इंतजाम कर दिया था, रंजीत कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंदूरख में है जो, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है और वेल मेंटेन्ड है। बच्चों ने काफ़ी इस चीज़ की तारीफ़ की कि हमें जैसे 3-स्टार फैसिलिटीज मिलती हैं ऐसे हमारे को वहाँ पर रखा गया। तो एक अच्छा लगा जब बच्चे जब ये बात कहते हैं कि हमें अच्छा लगा वहाँ पर रहकर, क्योंकि बच्चों के लिए ही टूर्नामेंट खेली जा रही है और जो हमें ग्रांट्स मिलती है उससे तो कुछ भी नहीं हो सकता, उससे तो सिर्फ समझ लीजिए कि प्राइज ही खरीदे जा सकते हैं और छोटा मोटा जो बाकी खर्चा है वो चल सकता है। तो एनी हाउ जो हमारे मनवीर सिंह है उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा इस पर और जो है हमने कोशिश की कि बहुत अच्छे तरीके से ये कंप्लीट हो सके। इसके साथ ही हमने और इसमें एक ऑल इंडिया रेफरी एग्ज़ाम का भी हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर किया जाए, उसके लिए फेडरेशन के जो हैं ऑब्जर्वर भी यहाँ पर आए हुए थे और एक्सपर्ट जो हैं अपने रेफरी बोर्ड्स के, मिस्टर सुमित भाटिया जो नेशनल कोच भी हैं इंडिया के खो खो के, वो भी आए हुए थे, वीरेश यादव एज ऑब्जर्वर, क्योंकि हमने इन दिनों में ही हमारे अपन फेडरेशन की इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर स्टेट एसोसिएशन की इलेक्शन भी ड्यू थी, तो वो फेडरेशन के जो मिस्टर वीरेश यादव हैं वो ऑब्जर्वर बन के यहाँ पर आए थे और इलेक्शन भी हमारी हो गई और जो हमारी इलेक्शन है उसमें जो बॉडी इस समय काम कर रही थी तो सारी यूनिट्स ने कहा कि ये बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट सेम बॉडी जो है मिस्टर मनवीर सिंह एज प्रेसिडेंट, हरजीत सिंह जो है उनको सेक्रेटरी चुना गया, बाकी मेंबर्स जैसे पहले हैं उनको जिम्मेवारियाँ वैसे ही दी गई, कुछ को चेंज किया गया, तो वो जो लिस्ट है वो भी हमने इनको फेडरेशन के साथ साथ जो ओलंपिक के ऑब्जर्वर आए थे मिस्टर विकास और स्पोर्ट्स काउंसिल के ऑब्जर्वर राहिल गुप्ता और रवि सिंह जी, ये दो जो है स्पोर्ट्स काउंसिल के जो है ऑब्जर्वर आए थे, उनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और उन्होंने भी स्पेशल कमेंट किए उस समय जब हमारी इलेक्शन चल रही थी कि दिस वाज द मोस्ट कार्डियल वे में जो है ये इलेक्शन हुई और वेरी डिसिप्लिन मैनर में जो है ये इलेक्शन का जो है यहाँ पर माहौल था और इसी तरीके का माहौल बाकी
इलेक्शंस पे भी होना चाहिए।